नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि एक महिला परिवार को बना भी सकती हैं और परिवार को बिगाड़ भी सकती हैं। ये हकीकत है कि बहुत सारी महिलाएं अपनी महिला होने का काफ़ी दुरुपयोग करती हैं और ज़्यादातर समय पर लड़कों के बारे में नहीं सोचती। यही कारण है कि बहुत सारे लड़कों का फ्यूचर लड़कियों के लिए बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसका और एक पहलू ये भी है कि जो लड़के शादी से पहले लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, शादी के बाद वही लड़के अपनी वाइफ के ऊपर काफ़ी मात्रा में अत्याचार करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि भारतीय समाज भी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ भारतीय लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आंकड़ों के ऊपर आधारित है और हमारा उद्देश्य किसी भी लिंग, जाति और समाज के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक भारत रिसर्च और डेवलपमेंट में दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे है। भारत के ज़्यादातर युवा अपनी ज़्यादातर समय को अपने स्कूल, कॉलेज, फेसबुक और ट्विटर में लड़कियों के पीछे निकाल देते हैं। भारत के काफ़ी सारे लड़के लड़कियों के लिए घंटों खड़े रहते हैं या फिर इंतज़ार में बिता देते हैं और बहुत सारी लड़कियां इसका काफ़ी फ़ायदा उठाती है। एक आंकड़े शायद आपको हैरान कर दे कि लव मैरिज में डिवोर्स की मात्रा अरेंज मैरिज में होने वाली डिवोर्स की मात्रा से काफ़ी अधिक है। अगर हम इसका कारण ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ये निकल कर आएगा कि स्कूल या कॉलेज लाइफ में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां एक दूसरे के लिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि उनकी पढ़ाई ठीक तरह हो नहीं पाती, जो कि उनका फ्यूचर बिगाड़ देता है। भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही कम है। यही कारण है कि आज के दिनों में एक इंजीनियर साधारण सा कोडिंग नहीं कर सकता और एक MBA पढ़ने वाला स्टूडेंट 10 लाइन ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता। हमेशा लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए लड़कियों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता और ये सिर्फ अशिक्षित लोगों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगों में भी काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में घरेलू हिंसा की मात्रा लगभग 34% बढ़ी है। इसके अलावा भी दहेज के कारण लड़की और लड़की का परिवार को काफ़ी मुसीबत झेलना होता है और दहेज के कारण हुई मौत पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ी है। कई सारे राज्य जैसे UP, बिहार, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा में इसकी मात्रा बहुत ही अधिक है। भारत में हर 3 मिनट में लड़कियों के प्रति क्राइम होता है और सिर्फ अकेले 2015 में लगभग 34,000 से ज़्यादा लड़कियों का रेप का केस दर्ज करवाया गया। तो दोस्तों, आप लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।